मरी जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और होते तो जरूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ दो ही बातें पूछी एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा और दूसरा इस फिल्म का म्यूजिक कैसा होगा वो गदर वन के म्यूजिक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो मैं बहुत ढूंढ रहा था बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी पिक्चर शुरू होने को आ गई है सब कुछ हो गया लेकिन करेक्टर uh, नहीं मिल रहा है साउथ से बॉम्बे से बाहर से यहाँ से सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए कितने लिए और uh, बस नहीं हो पा रहा था तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी शर्मा जी जब तक ये ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है ये है वो है ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब जिनका काम है नाम है तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था रवि वर्मा को मैं बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार नेगेटिव करैक्टर नहीं बोला फिल्म की डेटे हो गई है क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा यह बंदा है कौन बोले उसी वक्त इन बंदे से फ़ोन पे बात करा दी मैंने कहा कल तुम आके मिलो मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे कल आके मिलो कल आके मिलो और मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है शर्मा जी आप ज़रा टेस्ट वगैरह ले लो फिर टेस्ट वगैरह इनका किया फिर सनी सर के पास भी भेजा तो वो बंदे हैं मनीष जी तो आप कृपया आइए ऊपर एक बार जोरदार था नहीं चाहिए मनीष के लिए बड़े परफॉर्मर मैं शूट में मौजूद था लखनऊ में भी था और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी नरेशन भी देखा उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है। क्या बात है कितना प्रेशर था और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहाँ पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को ये बहुत मुश्किल था मेरा सौभाग्य है मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला सर से मिला और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला रही बात अमरीश जी की तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ एक नहीं मेरे जैसे सौ एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक, एक इतनी बड़ी अकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूं जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे तो ये सर हैं और सनी सर हैं इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे, बिल्कुल, 100 प्यार देंगे एक बार थोड़ा ताली बारिश हो रही है गौरव चोपड़ा जी हैं जी मिथुन जी को बुलाया जाए मिथुन जी को बुलाया जाए एक बार जोरदार मिथुन जी के लिए जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है मुझे अच्छे से याद है कि जब म्यूजिक की बात चल रही थी मैं थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ कादरी साहब को बुलाया जाए अरे बिल्कुल आप आइए प्लीज अरे तो ऊपर है मंच है चिंता मत कीजिए आइए बालकनी में बैठाएंगे आपको आइए 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 सर आइए आइए गौरव जी आदित्य नारायण जी भी हम हमारे साथ में आदित्य जी आइए आजा भाई आदित्य आइए आइए अरे भाई आदित्य अनिल जी ऊपर आइए 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 बालकनी में आइए बालकनी में आइए आइए हाँ लोग आगे जी जी बिल्कुल हाँ जी और कोई बच्चा यहाँ से सबीना है श्याम जी है या। लव है, आप आइए आप सब लोग तो मिथुन बहुत कमाल एक बार जोर चाहिए कॉन्ग्रेचुलेषन भाई बधाई हो बधाई हो क्या बात हाँ है

भाई आप सभी को नमस्कार मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनिल जी के साथ में देखिए एज अ कम्पोजर एक संगीतकार होने के नाते आज आजकल जो ब्रीफ दिया जाता है वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए जी जी तो ये बिल्कुल क्रिएटिविटी uh, के विपरीत है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनिल जी से मिला उन्होंने मुझसे हुक लाइन नहीं मांगी उन्होंने मुझसे ट्रेंडिंग आजकल जो वर्ड है हम जब रियाज करते थे कभी तो हमने ट्रेंड सुना भी नहीं ये क्या होता है जी पर मुझसे अनिल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली म्यूजिक नहीं मांगा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर टू के लिए आत्मा चाहिए क्या बात तो ये जो एक एक दर्शन था ये बहुत बड़ा था और मैं खास रूप से अक्नोलेज करना चाहूंगा आ, अलका जी को और उदित जी को क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर गु का संगीत अधूरा होता हो oh. इसमें दो गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई और बहुत ही कमाल के नए तरीके से नए अंदाज में पेश किया है जी मैं चाहूंगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें बिल्कुल आदित्य यहाँ पर है आदित्य आदित्य आइए माइक्रोफोन आदित्य के लिए एक बार जोरदार तालीमें चाहिए हेलो नमस्ते गुड इवनिंग एक बहुत यूनिक चीज हमने आ, की है।, है मैं निकला आ, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है तो हो जाए सर दो लाइन को yes. yes, yes. भी गाना है साथ में यस yes. मैं निकला ओ गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया मैं उ दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उ दिल छोड़ आया और रब जाने कब गुजरा अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया मैं उ दिल छोड़ आया ओ एक मोड़ आया मैं उथे दिल छोड़ आया क्या बात है कितने मिनट जोड़ा ताली आदित्य के लिए कमाल है मेरा भाई मैं तुम दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहां मौजूद हैं अरे 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 थोड़ा सा अरे थोड़ा सा एक लाइन तो गाना पड़ेगा ओए होए उदित जी के बिना नहीं गाएंगी हां नहीं उनके अपना बेटवा भेजे हैं अपना बेटवा भेजे हैं हां बेटवा से नहीं चलेगा उनको बेटवा से नहीं चलेगा हाँ बाप ही चाहिए अलका <laughs> जी अलका जी थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए <laughs> अरे एक मैं सुन दे <laughs> एक थोड़ा सा हो जाए वरना <laughs> देखिए फिर मैं गा दूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी पुरजा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू तो संदेशा मेरा मैं सद के जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया ये छोटी सी जिंदगी ते रात लम्बिया लम्बिया वो घर आजा परदेसी देसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी घर आजा परदेसी देसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी क्या बात है अच्छा स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना हाँ ठीक खाली करवा रहे चिंता करो अच्छा भाई एक ग्रुप फोटो लेंगे सर एक ग्रुप फोटो एक ग्रुप फोटो हाँ ग्रुप फोटो ग्रुप फोटो होगा 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 अभी होगा अरे अरे फोटो फोटो पहले फोटो उसके बाद सब नीचे उतरेंगे